मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के गिरफ्त में आई पूजा सिंघल की मुसीबतें तो बढ़ी ही थी, साथ ही साथ राज्य के 3 जिलों के डीएमओ की भी मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूजा सिंघल गिरफ्तार हो गई थी, उसके बाद राज्य के 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों को समन भेजकर ये तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय आए। हालांकि जिस तरीके से खनन पदाधिकारी जब ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो कई खनन संबंधित जानकारियां ईडी के अधिकारियों को दिए थे, उसी के आधार पर ईडी के जो अधिकारी है लगातार पूछताछ कर रहे थे और इसी क्रम में कई लोगों के घर में भी छापेमारी भी हुई थी। जिस तरीके से इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि 7 जिलों के खनन पदाधिकारी इस वक्त ईडी कार्यालय में पहुंचे हैं। इससे पहले प्रेम प्रकाश ईडी कार्यालय पहुंचे थे, लगभग 5 मिनट ईडी दफ्तर में वो रहे और उसके बाद वो ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ईडी दफ्तर में हलचल एक बार फिर से शुरू हो गई है। आपको एक बार हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे ईडी कार्यालय की, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही ईडी दफ्तर में हर कुछ शांत पड़ा हुआ था और कह सकते हैं कि जो ईडी की कार्रवाई है वो बिल्कुल ढीली पड़ गई थी, लेकिन इस वक्त ईडी में जो हलचल है वो देखने को मिल रहा है। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो एक बार फिर से तैनात हो गए हैं। आप सभी को याद होगा जब सीआरपीएफ के जवान जब तैनात हो जाते हैं तो ईडी में जरूर कुछ ना कुछ एक बड़ा खुलासा देखने को मिलता है। आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें, आप देख सकते हैं कि ईडी कार्यालय के पास सीआरपीएफ के जवान एक बार फिर से तैनात है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से ही जो हलचल है वो तेज हो गई थी और लगातार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बातें सामने आ रही थी कि ईडी ने 7 जिलों के खनन पदाधिकारियों को समन भेज कर तलब किया गया है कि वो ईडी कार्यालय आए। और सुबह से ही डीएमओ जो है वो ईडी कार्यालय पहुंच गए और उनसे जो सवालात का दौर है एक बार फिर से तेज हो गया। इससे पहले आप सभी को याद होगा कि जब साहेबगंज के डीएमओ आए थे, हालांकि उनको 2 बार समन भेजा गया था, लेकिन फिर भी जब वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो खनन से संबंधित कई उन्होंने जानकारियां दी थी और उसी के आधार पर ईडी के जो अधिकारी है वो एक बार फिर से जो छापेमारी है वो शुरू कर दिए थे। आज जिस तरीके से 7 जिलों के डीएमओ को बुलाया गया है तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि ईडी के जो अधिकारी है उनके हाथ कहीं ना कहीं कुछ बड़ा जो दस्तावेज है वो हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले जब डीएमओ को बुलाया गया था 3 जिलों के पाकुड़, पलामू और साहिबगंज के जब डीएमओ को बुलाया गया था तो ईडी के अधिकारियों के हाथ कई जो दस्तावेज है वो हाथ लगे थे और लगातार उसी के आधार पर छापेमारी और पूछताछ चल रही थी। क्योंकि जिस तरीके से 6 मई को पूजा सिंघल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी थी, कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है ईडी के हाथ लगे थे, साथ ही साथ नगद भी सीए सुमन कुमार के आवास से बरामद किए गए थे और उसी के आधार पर लगातार जो पूछताछ है सीए सुमन कुमार और पूजा सिंघल से वो चल रही थी। पूजा सिंघल ईडी के रिमांड में थी, साथ ही साथ सीए सुमन कुमार भी ईडी के रिमांड में थे और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। जिस तरीके से ईडी के जो अधिकारी है पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार से जिस तरीके से पूछताछ कर रहे थे उसी के आधार पर डीएमओ को तलब किया गया था और खनन से संबंधित जानकारियां डीएमओ से निकालने की कोशिश की जा रही थी। कह सकते हैं कि कई डीएमओ ने खुलासा भी किया था और उसी के आधार पर जो पूछताछ है वो चल रही थी, साथ ही साथ कई लोगों के घर में ईडी का जो रेड है वो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद कड़ी खुलते हुए दिखाई दे रही थी, परत जो चीजें है वो सामने आ रही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि 7 डीएमओ आए हैं तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी के हाथ एक बार फिर से कई जो दस्तावेज है वो हाथ लगेंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है। तब तक बने रहिए न्यूज़ 22 स्कोप के साथ। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, 22 स्कोप, रांची।